नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में संपूर्ण स्टडी। हम इस वीडियो के माध्यम से अधिनियम के बारे में संक्षिप्त रूप से डिस्कस करेंगे, इसके अधिनियम की धाराएं सारी की सारी पढ़ेंगे और इसमें अति महत्वपूर्ण जो है 32 प्रश्नों MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। परीक्षा महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट को भी शामिल किए गए हैं। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 का भी समावेश किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट और इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं वह शामिल किए गए हैं। मानव अधिकार अधिनियम 1993 के प्रभाव यानी इससे क्या लाभ हुआ है या इसके क्या उपयोग हैं, यह हमने शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के आप जो है वो स्टडी हमारी वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, career-academy.com पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यह वीडियो आपके MPPSC या जो भी PSCS एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, और उसी को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। आइए देखते हैं हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये मानव के अधिकारों के संरक्षण माने मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया है, तो जिसका नाम है संपूर्ण मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसमें यह जो अधिनियम 1993 में संपूर्ण देश में 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। ये जम्मू कश्मीर के मामले में संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित कुछ निश्चित प्रवर्तित विषयों तक ही इसका क्षेत्राधिकार है, लेकिन अब सारे के सारे जो संपूर्ण भारत में है, क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हट जाने के कारण। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है, भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रासंविधा का तात्पर्य सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रासंविधान तथा 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रासंविधा तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए ऐसे अन्य प्रासंविधा या अभिसमय से है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट किया गया है दोस्तों। यह मानव अधिकार, इसी के अंतर्गत दोस्तों मानव अधिकार आयोग बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। इसके सदस्यों कार्यों का संपादितों की नियुक्ति कार एवं शक्तियां, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल एवं सेवा शर्तें, मानव अधिकार हनन मामले देखती है यह जांच प्रक्रिया, आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्टों, मानव अधिकार न्यायालयों, वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षा, अकाउंट एंड ऑडिट के साथ अन्य विविध पहलुओं का जिक्र जो है वो मानव अधिकार संरक्षण में किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निकाय का गठन किया गया है, नामक निकाय का गठन किया गया है। आयोग एक स्वायत्त संस्था की तरह कार्य करता है। यह अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं, इसमें और 43 धाराएं हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों को सार्वजनिक घोषणा की थी। कब की थी? 10 दिसंबर 1948 को। दोस्तों अब देखते हैं हम इसकी धाराएं। तो धारा एक में जो है प्रारंभिक नाम से जानी जाती है, इसमें धारा एक में अध्याय एक में प्रारंभिक रूप से जाना जाती है, और धारा एक में आपके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। धारा दो में जो है वो परिभाषाएं शामिल हैं। इसमें धारा दो मानव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्याय दो है उसके बारे में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो धारा तीन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो है वो गठन का प्रावधान किया गया है। धारा चार में अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया है। इसमें एक कमेटी होती है प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में, तो वह कमेटी जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करता है अध्यक्ष के और सदस्यों की। और धारा पांच जो है वो त्यागपत्र व हटाए जाने संबंधित है, जो भी अध्यक्ष हैं या जो भी सदस्य हैं उसके त्यागपत्र व हटाए जाने संबंधित धारा पांच है। वहीं धारा छह अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि से संबंधित है, पद से संबंधित है। धारा सात कतिपय परिस्थिति में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना इसके रूप में शामिल किया गया है। धारा आठ अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा, निबंधन और शर्तें शामिल है। धारा नौ में रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान न होना इसमें शामिल किया गया है। वहीं धारा 10 प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। धारा 11 आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी वृंद
ये इससे संबंधित जो है दोस्तों, तो ये जो धारा 3 से धारा 6 है ये इम्पोर्टेंट है, और ये तो आपको यदि आ गई यहाँ धारा 7 से धारा 11 आ गए तो ये तो आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि ये कठिन चीजें हैं तो ये बना रहेंगे। आपको 3 से 6 मोस्टली आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। राष्ट्रीय मानव आयोग के गठन के बारे में बात करेंगे जो धारा 3 से संबंधित है। इसमें केंद्र सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से ज्ञात है, इस अधिनियम के अधीन उस प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कर्तव्यों को पालन करने के लिए गठन करेगी। माने जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन करेगी, और आयोग में एक अध्यक्ष होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा, एक सदस्य होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या है या रहा होगा, एक सदस्य होगा जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या रहा होगा, दो सदस्य ऐसे सदस्य दो होंगे जो व्यक्तियों से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा। ये तो गाइडलाइंस है जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की, तो इसमें ज्यादा कुछ हमें वो नहीं करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष धारा 12 के खंड खा से खंड ग्यारह में विनिर्दिष्ट कर्तव्य को निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। आप समझिए बात को, ये धारा 12 के खंड खास से खंड ज्ञा तक जो है वो विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझाए जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट बात है। एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो न्यायिक कर्तव्य धारा 40 खा के अधीन भी निर्णय बनाने की शक्ति के सिवा जो यथाशक्ति या आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्याजोरित करेगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में हमने थोड़ा जो है वो चर्चा की, और इसके बाद हम अध्याय 3 में देखते हैं। इसमें आयोग के कृत्य कार्य या शक्तियां का वर्णन किया गया है जो कि अध्याय 3 में शामिल है। इसमें धारा 12 से धारा 16 तक अध्याय 3 शामिल है। धारा 12 में आयोग के कार्य यानी कृत्य शामिल हैं। धारा 13 में जांच से संबंधित शक्तियां शामिल हैं। धारा 14 में अन्वेषण। धारा 15 में आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन जो है वो शामिल किए गए हैं दोस्तों। धारा 16 में उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है दोस्तों, तो उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है, तो इसमें सुनवाई से संबंधित धारा 16 का जो है वो वर्णन किया गया है। वहीं धारा मतलब अध्याय 4 आपकी प्रक्रिया से संबंधित है, और जो ये धारा 4 है वो अध्याय 4 है वो धारा 17 से अध्याय धारा 20 तक शामिल है। अध्याय 4 में धारा 17 से धारा 20 तक शामिल है। धारा 17 शिकायतों की जांच करना शामिल है। धारा 18 जांच के दौरान जांच के पश्चात कार्रवाई का करना वर्णन है। धारा 19 में सशस्त्र बलों के बाबत प्रक्रिया, सशस्त्र जो सशस्त्र बल होते हैं उनको, ये बल हैं बालों नहीं, ये बलों बालों तो दोस्तों अपने होते हैं तो बालों, तो ये धारा 19 सशस्त्र बलों के बाबत प्रक्रिया है। धारा 20 आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट के बारे में जो है वो वर्णन किया गया है। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो अध्याय 5 के बारे में हम अध्याय 5 में देखते हैं कि इसमें अध्याय 5 में क्या होता है दोस्तों। जो अध्याय 5 है ये राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है आपका, ये हम राज्य इसमें करेक्शन करना भूल गए, तो ये राज्य मानवाधिकार से संबंधित। धारा 21 आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है। धारा 22 अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति है। धारा 23 राज्य मानवाधिकार आयोग के त्याग पद व हटाए जाने संबंधित। धारा 24 अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि है। तो ये धारा 21 से 24 जिस प्रकार हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया था उसी प्रकार इसमें 21 से 24 जो शामिल बहुत जरूरी है, और उसके बाद इसी प्रकार यहाँ पे राज्य जुड़ जाता है वहां पे राष्ट्र जुड़ जाता है। तो धारा 25 कतिपय परिस्थिति में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। धारा 26 अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा निबंधन और शर्तें, और धारा 27 राज्य आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी इसमें शामिल है, और धारा 28 जो है राज्य आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक या विशेष रिपोर्ट शामिल है। धारा 28 राज्य आयोग की वार्षिक व विशेष रिपोर्ट। धारा 29 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों को राज्य आयोग को लागू करना। आप ये समझिए ये धारा 29 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय जो है वो उपबंधों को राज्य आयोग को लागू करना, ये धारा 29 जरूर देख लें, इंपोर्टेंट है। धारा 29 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों को राज्य आयोगों को लागू करना इसमें शामिल है। राज्य मानव अधिकार आयोग का जो गठन होता है गाइडलाइंस की बात है, और इसमें समिति अलग होती है और वो उसमें भी समिति अलग होती है। इसमें धारा 21 के अंतर्गत जो है वो गठन किया जाता है, और इसमें हम देख लेते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। यदि
कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों के पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसका नाम संबंधित राज्य का नाम मानवाधिकार आयोग होगा। समझ चुके होंगे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो सितंबर 1995 में किया गया था। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त शासी तथा 22 सदस्यों की नियुक्ति या कार्यकाल का निर्धारण स्टाफ या अनुसंधान दल का कार्य प्रणाली का तय करता है। राज्य आयोग ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे निम्नलिखित में से मिलकर बनेगा, यानी अर्थात आपका एक अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो, एक सदस्य होगा जो किसी न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, या राज्य में मिला न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो जिसे जिला न्यायालय के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, एक सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्ति किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, और इसमें एक सचिव होगा जो राज्य का मुख्य का पालक अधिकारी होगा। वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो राज्य आयोग उसे प्रत्याजोहित करेगा। दोस्तों तो ये राज्य मानव आयोग के बारे में गठन के बारे में हम चौथा पॉइंट देख रहे हैं कि राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। कोई राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में वर्णित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जाँच कर सकेगा, परंतु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समग्र रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से जाँच की जा रही हो तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जाँच नहीं करेगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, परंतु यह और जम्मू कश्मीर के मानव अधिकार आयोग के संबंध में यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की 2 और 3 में प्रमाणित माने प्रगणित प्रविष्टियों से संबंधित, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में जो है वो धारा 370 खत्म हो चुकी है तो उसमें ये बात नहीं रह जाती है। मैं उसी की बात हो रही है, मैं से किसी संबंधित विषय के बाबत शब्द और अंकों के स्थान पर जम्मू कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 में प्रमाणित प्रविष्टियों में से किसी के संबंधित विषयों के बाबत तथा उन विषयों के बाबत जिनके संबंध में उस राज्य को विधानमंडल को विधियां बनाने की शक्ति है शब्द और अंक इसमें रखे जाएंगे। तो ये आखिरी जो वो है वो जम्मू कश्मीर से ही सब संबंधित है दोस्तों, अब शामिल कर लिया इसलिए। अब इसमें 6 पॉइंट आता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष सदस्य को एक राज्य के साथ साथ या अन्य राज्य को सदस्य की नियुक्ति कर सकेगी जो यदि अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है, परंतु उस राज्य के बाबत जिसके लिए यथाशक्ति सामान्य अध्यक्ष और सदस्य उन दोनों नियुक्त किए जाते हैं। इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त करने के पश्चात की जाएंगी। दोस्तों तो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, बस यही बात कह रहे हैं कि प्रत्येक नियुक्ति जो है वो धारा 22 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट सिफारिश के अभिप्रेत पश्चात की जाएगी और 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की सहमति से ऐसे अध्यक्ष सदस्य को एक राज्य या शासित अन्य राज्य के सदस्य की नियुक्त कर सकेगी यदि अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है, परंतु उस राज्य के बाबत उसके लिए यथाशक्ति सामान्य अध्यक्ष व सदस्य दोनों के लिए जाने हैं। इस धारा के अधीन भी की गई नियुक्ति वो धारा 22 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो है वो सिफारिशें अभी प्राप्त करने के पश्चात ही की जाएंगी। दोस्तों तो ये धारा 6 में आपका मानवाधिकार न्यायालय शामिल है, जिसमें धारा 17 में आपका दोस्तों मानव अधिकार न्यायालय शामिल होगा और धारा 18 में विशेष लोक अभियोजन शामिल है। दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा, ये जो धारा 17 है ये 17 नहीं होगी क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो ये जो धारा होगी ये आपकी 30 होगी मानव अधिकार न्यायालय से संबंधित, और विशेष लोक अभियोजन से संबंधित ये आपकी धारा 31 होगी। ये तो गलती यदि किसी ने दोस्तों गलती सुधार के अपनी सुधार पूरी कर लेता है तो उसमें कोई गलती नहीं मानी जाती है। तो आप भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई जो है वो अपनी पिछली गलती को जो है वो सुधारी जा सकती है। वहीं अध्याय 7 में वित्त लेखा और संप्रेक्षा के बारे में दिया गया है। धारा 22 जो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, धारा 33 जो राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, धारा 34 लेखा और संप्रेक्षा से संबंधित है, धारा 35 आपके राज्य आयोग लेखा और संप्रेक्षा से संबंधित है। दोस्तों वहीं वित्त और संप्रेक्षा अध्याय जो है वो दोस्तों 8 अध्याय 8 में आपका क्या दिया गया है, अध्याय 8 में आपका प्रकीर्ण है, ये प्रकीर्ण है, इसमें मिसलिशियस है जो ये धारा आखिरी है, प्रकीर्ण आता है इसमें, मिसलिशियस जो भी
हैं, तो ये वित्त लेखा नहीं है। वित्त लेखा तो आपके अध्याय 7 में है और अध्याय 8 में धारा 36 से 43 इसमें शामिल किए गए हैं। धारा 36 आयोग की अधिकृतता के अधीन आने वाले विषय शामिल होंगे। धारा 37 में विशेष अन्वेषण दलों का गठन शामिल है। धारा 38 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है। धारा 39 सदस्यों और अधिकारियों को लोक सेवक होना इसमें नियम है। दोस्तों ये दो धारा ये आप ध्यान दें, इसमें प्रकीर्णन है, अध्याय 8 प्रकीर्ण है, ये प्रकीर्ण है। हम प्रत्येक अध्याय में एक एक परिभाषा है, उसमें प्रकीर्ण मन विशेषेंस तो ये जो इसमें शामिल है, वहीं ये हम फिर से काटेंगे, ये प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण यानी अध्याय 8 से संबंधित धारा जिसमें 36 से 43 शामिल है, और धारा 40 नियम बनाने की केंद्र की शक्ति इसमें दी गई है। वहीं धारा 40 का भूत लक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति दी गई है। वहीं धारा 40 खा में आयोग की विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है। वहीं धारा 41 में नियम बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार को दी गई है। थोड़े बहुत नियम चेंज कर सकती है दोस्तों राज्य सरकार। और धारा 42 ये वित्त तो आपका हटेगा ही, प्रकीर्ण। तो धारा 42 आपकी कठिनाइयों से दूर करने की शक्ति इसमें दी गई है। धारा 43 निरसन और ब्यावर्ती और मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 के द्वारा इसको निराश्रित किया जा सकता है। निरसन और ब्यावर्ती के बारे में जो बताया गया है वह धारा 43 में बताया गया है। तो हमने ये धाराएं सारी देखी। इसके बाद बात करते हैं हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 32 MCQ। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो जनरली दोस्तों ये 5 वर्ष लगाएंगे, ये कोई भी आपके देखेंगे 5 वर्ष लगेंगे। अब 3 वर्ष हो चुका है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष का कार्यकाल हो चुका है। संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है आपकी 2M में दी गई है, ये धारा 2 उपधारा M में। तो दोस्तों ये जो M वाला है ये धारा आपका 2 रड़ा आएगा, ये रड़ा वाला आएगा, ये लोकसभा है। और जो E वाला रड़ा है वो ये वाला आता है, तो ये ध्यान दें आपको जो रड़ा आएगा ये वाला है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था। तो ये जो जारी किया गया था वो 123 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो जारी किया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस स्थिति को लागू किया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की 28 सितंबर 1993 को जो है वो लागू किया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन इसमें सदस्य नहीं होता दोस्तों। तो इसमें जो सदस्य नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं होता सदस्य, ना तो राष्ट्रपति होता है, ना राज्यपाल होता है, ना उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति रहता है। इसमें मुख्यमंत्री रहता है अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, और इसमें विपक्ष का नेता भी जो है वो इसका सदस्य रहता है। जो नियुक्ति समिति होती है, जो राज्य मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और इसका गृह मंत्री तो रहता ही है दोस्तों। और यदि विधान परिषद है तो उसका विपक्ष का नेता या सभापति इसमें शामिल रहते हैं, और इसमें विधानसभा का अध्यक्ष भी शामिल रहता है दोस्तों। ये विधानसभा अध्यक्ष होता है वो भी शामिल होती है, वो नियुक्ति समिति मानी जाती है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। ये जो राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं होता, लेकिन उपसभापति शामिल होता है, आप समझिए बात का। यानी इसमें जो राज्यसभा का सभापति है वो शामिल नहीं होता है, और इसमें लोकसभा का अध्यक्ष शामिल रहता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जानी है उसमें लोकसभा का विपक्ष का नेता रहता है, और राज्यसभा का विपक्ष का नेता भी शामिल रहता है। और इसमें प्रधानमंत्री आपके जो है वो अध्यक्ष होते हैं, और गृह मंत्री जो इसके सदस्य होते हैं दोस्तों, ये शामिल रहते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस तो आपका जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो आपको फेमस क्वेश्चन है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है, ये तो आपका दोस्तों संपूर्ण भारत में है, अब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। कश्मीर हमारा जो है वो थोड़ा अलग करता था,
लेकिन अब नहीं करता है, ऐसा कहा कहते थे लोग। मानवता संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो धाराएं तो हम देख ही चुके हैं, ये 43 धाराएं हैं और अध्याय कितने हैं? 8 आपके अध्याय हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो है वो ये राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ये राष्ट्रपति हटा देंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में तो हम देख तो चुके हैं दोस्तों, कुल 8 अध्याय और 43 जो धाराएं हैं इसमें। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के किस अध्याय में वित्त लेखा और संप्रेक्षा का प्रावधान किया गया है? अध्याय की बात हो रही है तो यह अध्याय 7 है आपका। ये भी पूछे जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो करता है आपका, नियुक्त हो सकता है दोस्तों, नियुक्ति नहीं करता, नियुक्त हो सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य चीफ जस्टिस होते हैं वही सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस होते हैं वही राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये अब कंफ्यूजन का सवाल है दोस्तों। वैसे तो इसमें बता रहा है, किताब में बता रहा है 7 हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार 8 हो सकते हैं। क्यों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्यों तथा 4 मानद सदस्यों से होता है। जो मानद सदस्य होते हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार की वेबसाइट पर दिया गया है। मानवाधिकार जो अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होता है, जनजाति का अध्यक्ष होता है और भी आयोग है वो है। तो मुझे जो अब राष्ट्रीय मानवाधिकार की वेबसाइट पर मैंने देखा तो उसमें 8 सदस्य दिए गए हैं और एक अध्यक्ष दिया गया है, उसमें प्रावधान भी दिया गया है। ये लिखी हुई है बात दोस्तों। किस धारा के तहत आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो वह कौन सी धारा है जो आयोग के सदस्यों को हटा सकते हैं? वो धारा 5 है। मैंने आपको बताया था कि ये धाराएं है जो इंपोर्टेंट हैं। महासचिव की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? तो ये नियुक्ति का प्रावधान जो किया गया है वो धारा 11 के अंतर्गत किया गया है। ये धारा 11 के अंतर्गत महासचिव की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। सम्मिलित करना है आपको धारा 21, धारा 3, धारा 24, धारा 30। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावृत्ति, मानवाधिकार का जो है वो न्यायालय। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका धारा 21। चलेंगे ए के 3 के ऊपर, बी धारा 3(1), ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का जो प्रावधान किया गया वो धारा 3 में किया गया है। C(4) यानी धारा 24 मानवाधिकार न्यायालय, ये C4, ये इसमें कंफ्यूजन हो गया दोस्तों, ये C3 होना चाहिए, क्योंकि धारा 30 में आपका मानवाधिकार का न्यायालय का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो ये जो D है वो C3 होगा और D4 होगा। ये धारा 30 आपका मानवाधिकार न्यायालय और धारा 24 राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का जो है वो वर्णन किया गया है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के संबंध में कार्रवाई किस धारा के अंतर्गत की जाती है? सशस्त्र बलों के सदस्यों के संबंध में कार्रवाई जो की जाती है वो धारा 19 के अंतर्गत की जाती है। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विशेष लोक अभियोजक की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अनुदान कहाँ से मिलता है? राष्ट्रीय आयोग का जो अनुदान मिलता है वो केंद्र सरकार देती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो अनुदान देती है वो केंद्र सरकार देती है। सम्मिलित करना है राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके सामने लिखा हुआ है राष्ट्रपति नियुक्त करता है आयोग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष करती है। विशेष लोक राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका A3, यानी जो राज्य मानवाधिकार है वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, और B का 1 यानी जो C आंसर हो जाएगा आपका, C का 2 विशेष लोग यानी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष करती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष करती है विशेष लोग अभियोजक और विशेष लोग है ये, और राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो B का 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करता है आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रपति नियुक्त करता है आयोग का अध्यक्ष। तो इस प्रकार है ये।
अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्र सरकार आयोग को पुलिस प्रदान करती है? केंद्र सरकार आयोग को पुलिस करती है धारा 21 के, सॉरी दोस्तों, धारा 11 के अंतर्गत। ये धारा 11, एक और एक 11, तो यह अधिनियम की जो है वो केंद्र सरकार आयोग को पुलिस प्रदान करती है। ऐसे किसी मामले की जांच मानवाधिकार आयोग द्वारा नहीं की जाएगी जो घटना कितने वर्ष की पूर्व की है। ऐसे मामले की जांच जो है मानवाधिकार आयोग की नहीं की जाएगी जो एक वर्ष पूर्व की है। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, यदि एक वर्ष के पूर्व की घटना है तो उस पर मानवाधिकार जांच नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन। बीमेल चुनिए, मतलब कौन सा चुनना है, बीमेल चुनना है तो धारा 37 अन्वेषण टीम का गठन, धारा 39 आयोग के सदस्य का लोक सेवक मानेंगे, धारा 11 महासचिव की नियुक्ति और धारा 22 वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो ये जो है वो केवल सी, ये सी जो है बीमेल, धारा 11 जो है वो महासचिव की नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है, इसमें नहीं किया गया। कहीं एक ऐसा क्वेश्चन देख लिया होगा, वो दोस्तों गलत है आपका, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो यही तो है, कहीं ना कहीं से हम यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है वो खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो ये है इसका आंसर। किस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करे? ये किस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करे? धारा 28 के अंतर्गत। ये जो धारा 28 के अंतर्गत जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को जो है वो प्रस्तुत करे। आयोग को सुनवाई का समुचित अवसर किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है? आयोग को सुनवाई का समुचित अवसर जो प्रदान किया गया है वो धारा 16 के अंतर्गत जो है वो प्रदान किया गया है। दोस्तों मानवाधिकार आयोग के समक्ष होने वाली समस्त 8 कार्रवाइयों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? मानवाधिकार आयोग के समक्ष होने वाली समस्त 8 जो कार्रवाइयां प्रकृति की होती हैं वो न्यायिक होती हैं, न्यायिक प्रकृति की होती हैं मानवाधिकार आयोग के समक्ष होने वाली समस्त 8 कार्रवाइयों की प्रकृति। आयोग के समक्ष जांच करने के लिए क्या परिसीमा काल है? आयोग के समक्ष जांच करने के लिए जो है वो एक वर्ष का जो है वो परिसीमा काल है दोस्तों, एक वर्ष का है आयोग के समक्ष, वो आयोग पहले देख चुके हैं। राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को किस धारा के तहत हटाया जा सकता है? राज्य आयोग के अध्यक्ष व जो धारा 23 के अंतर्गत हटाया जा सकता है, ये जो है वो राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है, वो धारा 23 है। नेक्स्ट, आयोग के सदस्य की पदावधि कितने वर्ष की होती है? आयोग के सदस्य की पदावधि जो होती है वो 3 वर्ष की होती है, ये 3 वर्ष की होती है, कोई भी सदस्य हो या अध्यक्ष हो वो 3 वर्ष की होती है, पहले 5 वर्ष की होती है लेकिन संशोधन कर दिया गया है दोस्तों, 3 वर्ष कर दी गई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे, ये रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष थे। और दोस्तों इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के आपको प्रथम अध्यक्ष का जो है वो देखना है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो हम दोस्तों ये आप कमेंट करके बताना, वैसे हम आपको बता देंगे। ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व देख रहे हैं, इसमें पहला पेज है मानव अधिकारों की मान्यता सर्वप्रथम ग्रीक यूनानी राज्यों द्वारा प्रदान की गई थी। मानव को मानव होने के नाते मिलने वाले अधिकारों को ही मानव अधिकार कहते हैं। मूल वंश धर्म लिंग तथा राष्ट्रीयता का विभेद किए बिना सभी मनुष्यों को यह अधिकार एक समान प्राप्त है। मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम लिखित दस्तावेज ब्रिटेन का 1215 का महान घोषणा पत्र है दोस्तों, 1215 यानी 1215। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी दोस्तों, और 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसकी घोषणा 1950 में हुई थी। इसका अगले पॉइंट का पेज देखते हैं हम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। 28 सितंबर 1993 से यह अधिनियम लागू हुआ है। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेख का अधिनियम धारा 12 में है।
आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं, ये ध्यान दें। राजमानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार के माध्यम से होगा। ये अगला पेज है, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण की जांच करने की प्रक्रिया धारा 19 में उल्लेखित है। किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राजमानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राजमानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मानवाधिकार न्यायालय हेतु राज्य सरकार एक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। लोक अभियोजक की नियुक्ति होने के लिए 7 वर्ष तक का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना जरूरी है। 1 वर्ष या उससे अधिक पुराने मामलों की जांच ना तो राष्ट्रीय मानवाधिकार करेगा ना ही राज्य मानवाधिकार आयोग करेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते मतलब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम। अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक विधान संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष सत्र के दौरान जब सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, इसमें प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष पहले 5 वर्ष था या 70 उम्र हो जो पहले हो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार के रूप में। और नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य चुनने के लिए नियुक्त समिति के सदस्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो ये धारा 4 के अंतर्गत इसमें गठन नियुक्ति समिति के संबंधित जो दिया गया है वो धारा वो 4 में दिया गया है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। न्यायमूर्ति H.L. दत्तू वर्तमान अध्यक्ष और जयदीप गोविंद महासचिव। न्यू अपडेट राष्ट्र इसमें न्यू अपडेट देखते हैं, ये वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति H.L. दत्तू और जयदीप गोविंद महासचिव हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक तथा 4 मानद सदस्यों से होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य की नियुक्ति समिति धारा 22 में मुख्यमंत्री आपके विधान परिषद के सभापति सदस्य जिस राज्य में विधानसभा हो, राज्य का गृह सदस्य, विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य, विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य, विधानसभा परिषद में विपक्ष का नेता सदस्य यदि उस राज्य में विधान परिषद आपकी लागू है। यदि इसके ये 2006 में जो संशोधन के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, इसके भी पूर्णकालिक सदस्य माने गए हैं। वो हम बात कह रहे थे कि इसमें उसी बात हो रही थी, इन चारों की बात हो रही थी। मानवाधिकार की परिभाषा अधिनियम धारा 2 घा में दिया गया है। धारा 36 में परिसीमा की अवधि के बारे में बताया गया है। दोस्तों अब हम देखेंगे जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम है 2006 के पॉइंट हैं वो हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों, समझेंगे। संसद ने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 पारित किया है। इसके द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो प्रमुख संशोधन किए गए हैं वो निम्नलिखित हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या घटाकर 5 से 3 की गई है। ये राज्य मानवाधिकार सदस्यों की जो संख्या की गई है वो 5 से 3 की गई थी। और मानवाधिकार आयोग के साथ उपलब्ध अनुसंधान मशीनरी को मजबूत बनाया गया है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता शर्तों में परिवर्तन किया गया है। गवाहों के साक्ष्य अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया को मजबूत प्रदान की गई है। आयोग की जांच के दौरान भी क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने का अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार को सूचित किए बिना भी बंदी गृहों में जाने का अधिकार दिया गया है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार को सूचित किए बिना भी बंदी गृहों में जाने का अधिकार जो है वो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत दिया गया है। इसके और पॉइंट शामिल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस योग्य बनाना यह कि पास कोई आई शिकायतों को संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर दो। केंद्रीय सरकार को भविष्य के किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों और परंपरा को अधिसूचित करने के योग बनाना जिन पर अधिनियम लागू होता है। यह स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन के लिए गठित चयन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति चयन समिति के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों पहले या आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हो, जो भी अध्यक्ष एवं सदस्य चयन के लिए जो भी गठित समिति है उसमें कोई सदस्य अनुपस्थित होता है तो उसमें समिति के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वो अनुपस्थित है। यह बात स्पष्ट उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में बात कही गई है। और यह स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इन दोनों आयोगों के सदस्यों से भिन्न स्थिति रखते हैं, यह भी अधिनियम 2006 में संशोधन के तहत किया गया है।
इसमें दो पॉइंट और बचते हैं आपके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इतना सामर्थ्य बनाना कि वे त्याग पत्र राष्ट्रपति को दो तथा अध्यक्ष को संबोधित करें, तथा राज्य मानवाधिकारों के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने त्यागपत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल को संबोधित करें। इसकी व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य होगा। यह व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य होगा। दोस्तों ये भी आपका मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत लागू हो पाया है। अब देखेंगे मानव अधिकार अधिनियम 1993 के प्रभाव, इससे क्या प्रभाव पड़ा कि मानव जो अपना मानव है उसके अधिकारों को समान अधिकार मिले हैं, तो ये इससे क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। तो मानव अधिकार अधिनियम 1993 जो मानव अधिकारों के संरक्षण में अहम पड़ाव सिद्ध हुआ, इसमें प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। इस अधिनियम में भारत में मानव अधिकार मानवीय गरिमा पहले की अपेक्षा अधिक सुनिश्चित की है। इस अधिनियम में संपूर्ण विश्व समुदाय को यह संदेश दिया है कि भारत मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अन्य प्रयासों का समर्थक है। इस अधिनियम ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र निर्माण कर मानवाधिकार उल्लंघन को हतोत्साहित किया है। इस अधिनियम ने मानवाधिकार के क्षेत्र में भारत में अध्ययनों और शोध कार्यों के लिए प्रति जो है वो गहरी रुचि जो है वो दिखाई है। दोस्तों इस अधिनियम ने प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना और विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति माध्यम से भारत में बहुत लंबे समय से लंबित मानवाधिकार आयोग मामलों के निपटाने की प्रक्रिया को तीव्रता से प्रदान की है। इस अधिनियम ने मानव संसाधन मंत्रालय और NCERT को मानवाधिकार विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि भारत की भावी पीढ़ी मानव अधिकारों को जो है वो चेतना से युक्त होगी दोस्तों। और इसमें मानव अधिकार के रूप में नारी के भी अधिकार हैं। इस अधिनियम ने भारतीय समाज में लगातार गिरती जा रही नारी गरिमा को न केवल बचाया है, तो इस भारत में नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया को भी जो है वह बल मिला है दोस्तों। तो इसमें हमने ये जो मानव अधिकार के जो हैं वो प्रभाव देखे दोस्तों, और इसके जो एक दो प्रभाव हैं वो भी देख लेते हैं। इससे भारत में प्रशासन की निरंकुशता में कमी आई है, ये जो है वो भारत में निरंकुशता में कमी आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सभी जिला मजिस्ट्रेटों और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हिरासत में होने वाले मौतों बलात्कार आदि घटनाओं की सूचना आयोग 24 घंटे के भीतर जो है वो प्रदान की जाए दोस्तों। और इसमें इस अधिनियम ने भारतीय राजनीति में मानवाधिकार संस्कृति का समावेश किया है। अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को मानवाधिकार संस्कृति को रूपरेखा बनाने को कहा है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों के एक वरिष्ठ सदस्य को भी आयोग के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए नामित करने का जो है वो प्रावधान इसमें किया गया है। इस अधिनियम का नकारात्मक प्रभाव यह है कि यह कई बार मानवाधिकार संगठन इस अधिनियम के आड़ में आतंकवादियों जघन अपराधियों की कड़ी सजा बचाने में हितायत करते दिखते हैं, ये इसका सबसे बड़ा जो है वो नकारात्मक प्रभाव है। तो दोस्तों हमने यह वीडियो देखा आपका, और मानवाधिकार अधिनियम 1993 के बारे में हम आशा करते हैं कि ये जो आपके MPPSC एग्जाम या कोई सा भी एग्जाम है दोस्तों उसके लिए आपको उपयोगी सिद्ध होगा। और इसकी स्टडी के लिए हम careerdestacademy.com पर स्टडी मटेरियल कर देंगे दोस्तों, अपलोड कर देंगे, और उसमें आप लाइक जरूर किया करें वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है दोस्तों। और आज हमने 3 जो है वो एक्ट अपलोड किए हैं, तो उन्हें आप देख लें दोस्तों। और हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें दोस्तों। और इस किसी भी क्वेश्चन में आप किसी भी उसमें डाउट होता है तो आप कमेंट करें, जिससे कि वह जो है वो किसी प्रकार की जो है वो गलती हुई हो तो उसे सुधारा जा सके। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।